हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज हमारा पार्ट 7 है स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल। आज देखो उसी के नीचे इन क्लास एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, सॉरी एक्टिविटी नहीं है, क्वेश्चन आंसर दिया है इन क्लास में। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोला है, हाँ, वुडन बॉल दैट इज इन वाटर वाइल ऑन आयरन बॉल दैट इज इन वाटर। वुडन बॉल क्या होता है, वाटर में फ्लोट करता है, और जो आयरन बॉल होता है वो क्या होता है, वाटर में सिंक हो जाता है। सेकंड क्या है, मोस्ट मेटल आर डेंजरस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्या है, सॉल्ट इज डेंजरस इन वाटर वेयर एज सैंड इज डेंजरस इन वाटर। क्या बोला यहाँ पे कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ नंबर का क्या है, व्हेन अ मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अ डेंजरस, है ना। तो जो मटेरियल है वो अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्यूशन। तो ये क्या थे उसके आंसर थे, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स क्या, के हमारे यूनिवर्स में वो सारा मैटर प्रेजेंट है, और हर मैटर क्या होता है, अलग अलग स्टेट होती है, मतलब अलग अलग फॉर्म में वो मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर है, वाटर आप जो ड्रिंक करते हो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर आप उसको फ्रीजर में रखोगे तो वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप उसको उसी वाटर को हीट करोगे तो वो वेपर फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो हमको एक ही वाटर के कितने फॉर्म मिल रहे हैं, 3 फॉर्म्स, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, और गैसियस फॉर्म में क्या होता है, वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम उसी स्टेट ऑफ मैटर को अलग अलग मटेरियल में क्या करेंगे, स्टूडेंट देखेंगे। तो चलिए पढ़ता हूं मैं, देखो क्या बोला है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। ये मैटर की क्या है, डेफिनेशन। दो चीजें उसके अंदर होती है, क्या, एक तो उसका मास होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। जो मैटर होता है उसमें दो चीजें, क्या क्या, एक तो उसका मास होता है और वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, तो मतलब उसका क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये दो चीजें मिक्स होकर क्या बनती है, एक मैटर है। जैसे एक चौक है, ये इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मतलब ये कुछ जगह ले रहा है, और उसके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ वेट है, मास है, तो ये भी क्या हुआ, एक मैटर है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मेरा कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा हूं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, उसी के साथ साथ मेरा मास भी है, तो मैं भी क्या हुए, मैटर। तो ये मैटर की सिंपल डेफिनेशन है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल। मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। टाइनी पार्टिकल मतलब क्या, जो एक मैटर होता है इसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर आता है। जैसे एक चौक है, मैं इसको ब्रेक करूंगा, ब्रेक करूंगा, ब्रेक करूंगा, तो एक छोटा पार्टिकल बचेगा, वो उसका मॉलिक्यूल होगा, और उसी मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना है, एक मैटर बना है। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, दे पजेसेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर। एक मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में मिलता है, और वो 3 स्टेट कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी उसमें सबसे पहला जो मैटर है वो है सॉलिड। सॉलिड के अंदर देखो डिटेल में क्या दिया है, सबसे पहले तो उसका डायग्राम आपने साइड में दिया हुआ है, वो देखो उसमें क्या दिख रहा है आपको, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है, मतलब क्या, क्लोजली पैक्ड है। तो देखो क्या बोला है, इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के अंदर, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब सॉलिड मटेरियल के अंदर जो उसके टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होती है। दैट इज व्हाई सॉलिड आर रिजिड एंड हैव अ डेफिनाइट शेप। इसी की वजह से वो रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब क्या, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते, और उनकी एक प्रॉपर शेप होती है। जैसे चौक है, ये क्या है, थोड़ा रिजिड है, मतलब स्ट्रांग है, ऐसे टूट जाएगा लेकिन थोड़ा रिजिड है, और इसकी प्रॉपर शेप मुझे दिख रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये सॉलिड है। अ सॉलिड सब्सटेंस आल्सो हैव डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड सब्सटेंस जो होता है उसका एक मास होता है और एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, मतलब एक प्रॉपर जगह में वो, एक प्रॉपर स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, किधर भी फ्लोट नहीं होता, किधर भी जाता नहीं। इसलिए डस्टर है, एक सॉलिड मटेरियल है, सबसे पहली चीज इसका कुछ ना कुछ मास है, सेकंड थिंग इसने कुछ वॉल्यूम, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और इसकी एक डेफिनेट शेप है, मतलब इसकी एक फिक्स शेप है, ये
अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। कब तक चेंज नहीं करेगा? जब तक मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई या टेम्परेचर अप्लाई नहीं करूंगा। ऐसे नॉर्मली इसकी एक प्रॉपर शेप है। और इसकी एक इसकी प्रॉपर शेप क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है, क्लोजली पैक्ड है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है स्टूडेंट? एक सॉलिड के अंदर। सेकंड है उसके अंदर लिक्विड। लिक्विड में क्या बोला है? लिक्विड इन मैटर इन इट्स लिक्विड स्टेट हैव अ डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। अब देखो स्टूडेंट, लिक्विड के अंदर डेफिनाइट मास मतलब एक फिक्स मास है, डेफिनाइट वॉल्यूम मतलब वो एक फिक्स वॉल्यूम भी रखता है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे लिक्विड में लेता हूं, लिक्विड में एक कंटेनर में ला लूंगा तो उसका मास तो है, कंटेनर में ला लूंगा तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से वो एडजस्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर शेप नहीं है। ऐसे ही मैं कंटेनर से निकाल के ग्लास में उसको डालूंगा तो ग्लास की वो शेप में आ जाएगा, ग्लास को वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। और उसको मैं अगर ग्लास में निकाल के अगर जमीन पे फेंक दूंगा तो वो पूरा जमीन पे फैल जाएगा। मतलब लिक्विड जो होता है उसका एक मास तो होता है और वो एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर ही लेता है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, एक प्रॉपर शेप उसकी नहीं होती। उसको जिस मटेरियल में, जिस कंटेनर में ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप ले लेगा, जमीन पे बेगेंगे फैल जाएगा, कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। तो हमको क्या दिखा है कि एक डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। और साथ में क्या बोला है? मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। सॉलिड में हमने क्या देखा? उसके मॉलिक्यूल पास पास है, लेकिन लिक्विड में यही मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड में और लिक्विड में। देखो आगे क्या बोला है, इट ऑक्यूपाइज द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस बट इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड इन अ कंटेनर इट एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। इसको हम कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे क्या बोला है, लिक्विड आर मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल। लिक्विड के मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली बोले तो वो दूर दूर होते हैं, करीब करीब नहीं होते। द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव। ये मॉलिक्यूल उसी में फ्री टू मूव मतलब ये किधर भी मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई लिक्विड फ्लो एंड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। वाटर मिल्क एंड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये लिक्विड के एग्जाम्पल है। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में क्या बोला है, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप अ गैस आर फार अपार्ट गैस। गैस देयरफॉर इज द हाइजेस्ट सॉरी इज द लाइटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। अभी देखो सिंपल एक चीज ध्यान में रखो, गैसेस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल पास पास थे, लिक्विड में उससे थोड़ा दूर हुए, और गैसेस में यही मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। मतलब ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। उसी के साथ साथ ये एक ऐसी स्टेट है मैटर की जो सबसे लाइटेस्ट है, मतलब जिसे सॉलिड का वेट ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम और गैसेस का उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव अबाउट फ्रीली। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। जैसे ये रूम है स्टूडेंट, इसके अंदर एयर है, एयर है मतलब वो गैसेस फॉर्म में। अभी इसके अंदर जो एयर है उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर है और ये किधर भी मूव कर सकते हैं, है ना, ये अपनी मर्जी से किधर भी फ्री टू मूव होते हैं। आगे क्या बोला है, दिस इज वॉर मैटर इन इट्स गैसेस स्टेट स्प्रेडिंग इंटायर अवेलेबल स्पेस एंड इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, है ना। तो उसके साथ साथ क्या बोला है कि गैस का ना तो कोई डेफिनाइट नॉट हैव डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। मास तो फिक्स होगा उसका, लेकिन उसका वॉल्यूम और उसकी शेप फिक्स नहीं होगी। जैसे मैं अगर बलून में गैस भरूंगा तो बलून के अंदर की वॉल्यूम और बलून का शेप ले लेगी, और अगर मैं उतनी गैस अगर एक रूम के अंदर छोड़ता हूं तो वो उतनी ही शेप उस रूम की भी ले लेगी और उतना ही वॉल्यूम उस रूम के अंदर ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब गैस का कोई एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता, मास उसका फिक्स होता है, डेफिनेट मास होता है, लेकिन शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती। अभी आगे क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन एन इनसेंस स्टिक इज
बल्ब है ना, जिसे जो अगरबत्ती होती है वो जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, इट फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन होल रूम है ना, उसकी जो महक आती है वो पूरे रूम के अंदर आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें से जो गैस निकलता है वो गैस फॉर्म में निकलता है, और गैस को मैं अभी आपको बताया कि अगर उसको हम एक रूम में छोड़ते हैं तो पूरे रूम का स्प्रे तो पूरे रूम को के अंदर क्या होता है फैल जाती है ना। तो ऐसे ही जो अगरबत्ती होती है वो फ्रेग्रेंस के लिए हम एक जगह पे लगाते हैं, पूरे रूम के अंदर क्या होता है स्प्रेड हो जाती है। ऑल गैसेस स्प्रेड इन अवेलेबल स्पेस है ना, जो जितनी भी टाइप की गैस होती है वो सब तरफ क्या होती है एक स्पेस में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है ना। तो ये हमारा सिंपल टॉपिक था जिसपे हमने स्टेट ऑफ मैटर देखे। इसके बाद का ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है प्रॉपर्टीज एंड ग्रुपिंग थिंग्स। क्या है? प्रॉपर्टीज एंड ग्रुपिंग थिंग्स। अभी देखो स्टूडेंट, इसका हम जब ये पढ़ेंगे ये हेडिंग तो आपको उसी में समझ में आएगा कि इसमें कंटेंट क्या है। इसमें कंटेंट ये है कि मटेरियल को जो ग्रुपिंग की जाती है वो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे की जाती है ना। जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी रहेगी उस हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्या बोला है, यू हैव लर्न दैट एवरी मटेरियल हैज सर्टेन प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल दैट पजेसेस सेवरल कॉमन प्रॉपर्टी आर सिमिलर, और उनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम भी होती है। जैसे कॉपर है, आयरन है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग है, कुछ प्रॉपर्टी सेम है। कुछ प्रॉपर्टी सेम मतलब क्या, दोनों कंडक्टर है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, लेकिन दोनों का कलर अलग है, दोनों की हार्डनेस अलग है। तो कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है, कुछ प्रॉपर्टी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट मेटल आर हार्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे सिंक इन वाटर है ना। सब बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंडक्टर भी होते हैं, जो वाटर में सिंक भी हो जाते हैं। तो ये सिमिलरिटी है, और कुछ कुछ चीजें उनमें अलग भी होती है। Moreover, most metals do not break easily. The process of grouping object on the basis of their property is called the classification. इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अगर हम प्रॉपर्टी के बेस पे कोई मटेरियल को अलग अलग कर रहे तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। द ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर पुट इन टू वन ग्रुप, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको वन ग्रुप में रखते हैं। This kind of grouping help us in many ways. For example, if we have substance that dissolve in water, we can know which substance will form solution. Thus, grouping things based on their property is very useful. हम क्या करते हैं, बहुत सारे material को उनकी similarity, अगर जिनके अंदर same same property है उनको एक group में रखेंगे, जो property उनके अंदर थोड़ी अलग अलग है तो उनको अलग अलग group में रखेंगे। तो इससे क्या होता है, इसका हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि कौन से मटेरियल को हम कहां पे यूज करना है। अगर ये मटेरियल इसके अंदर सॉल्युबल है तो कौन कौन से मटेरियल वाटर में सॉल्युबल है, ये चीजें हमको क्या होती है एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, लेबोरेटरी में या फिर डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो हमको इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होते हैं उनकी ग्रुपिंग, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ। आपको व्हाट्सएप के थ्रू इसके सॉल्व एक्सरसाइज मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।